नागाणा थाना क्षेत्र के कवास गांव के पास मंगलवार को टेम्पो में 5 लोग बेहोशी की हालत में मिले। इस घटना की सूचना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 5 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। प्रथम दृष्टया मामला जहर खुरानी का लग रहा है। बायतू से राकेश जैन की रिपोर्ट। कवास गांव के पास से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। नागाणा थाना क्षेत्र के कवास की सुरतानियों की ढाणी में राष्ट्रीय राजमार्ग 25 के पास मंगलवार को दिन में एक टेम्पो में बेहोशी की हालत में 5 लोग मिले। इन 5 में 2 महिलाएं, 2 बच्चे और 1 टेम्पो ड्राइवर शामिल हैं। राह चल रहे वाहन चालकों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से बेहोश लोगों को कवास के अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार शुरू किया गया और फिर बाड़मेर रेफर कर दिया। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार बेहोश ग्रामीण मंगलवार को बाबा दूज के उपलक्ष्य में बाबा रामदेव की जन्म स्थली रामदेरिया कश्मीर गए हुए थे। हालांकि अभी तक मामले में कोई खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर ये लोग बेहोश कैसे हुए। प्रथम दृष्टया जहर खुरानी की बात सामने आई है। बेहोश हुए लोग बायतू के चौखला गाँव के निवासी बताए जा रहे हैं।